क्या आपको पता है पुलिस किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है और इसका क्या काम होता है और ये कितने प्रकार की होती है? पुलिस चौकी, पुलिस थाना और कोतवाली, ये सब क्या होते हैं? हमारे देश में कितने पुलिसकर्मी हैं? पुलिस कैसे बनते हैं? इनका सिलेक्शन और प्रमोशन कैसे होता है? पुलिस की सबसे छोटी पोस्ट कौन सी है और हमारे देश में सबसे बड़ी पुलिस की पोस्ट कौन सी है और ये किसके पास है? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार पुलिस किसे कहते हैं? पुलिस में कितने प्रकार के और कौन कौन से पद होते हैं? किसको कितनी सैलरी मिलती है और किसके पास कितनी और कौन कौन सी पावर्स होती है? किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी कैसे पता करते हैं? और पुलिस के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, आप ये सब कुछ जानेंगे इस पुलिस FKI सीरीज में बाय फैक्ट नो इन्फो। और ये है इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड जिसमें हम जानेंगे पुलिस के बारे में 10 ऐसे जरूरी क्वेश्चन आंसर्स जो कि सिंपल तो होते हैं बट ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होते। और अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो या जाना चाहते हो तो आपको ये 10 सवालों के आंसर जरूर पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, पुलिस को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? दोस्तों क्या आप जानते हो पुलिस को हिंदी भाषा में राज के जनरक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है? पुलिस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 3, पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? किसी भी जनतंत्र के 3 प्रमुख अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में से एक यानी जुडिशियरी का हिस्सा होती है पुलिस, इसलिए इसका मुख्य कार्य कानून का पालन करवाना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पुलिस कितने प्रकार के होते हैं? ज्यादातर लोग समझते हैं पुलिस एक ही प्रकार की होती है लेकिन ऐसा नहीं है, पुलिस कई प्रकार की होती है। हर अलग अलग टाइप्स के कामों के लिए अलग अलग टाइप्स की पुलिस होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइप आप लोग जिसे पुलिस मानते हो वो नॉर्मली स्टेट पुलिस होती है। सेकंड टाइप ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक पुलिस। थर्ड टाइप रेलवे के लिए RPF रेलवे पुलिस फोर्स। फोर्थ टाइप इंटरनेट के लिए साइबर पुलिस। फिफ्थ टाइप सीक्रेट कामों के लिए सीक्रेट पुलिस फोर्सेस। सिक्स टाइप पूरे देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड बॉर्डर के लिए ITBP एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5, पुलिस डिपार्टमेंट क्या होता है? जितने भी प्रकार के मैंने आपको पुलिस के टाइप्स बताए हैं उनका ही जो अलग अलग प्रकार के कामों के आधार पर जो उनका विभाग कहलाता है वही उनका डिपार्टमेंट होता है। जैसे रेलवे का RPD रेलवे पुलिस डिपार्टमेंट, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल पुलिस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 6, पुलिस को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? पुलिस को हिंदी भाषा में तो राजकीय जनरक्षक कहा जाता है पर संस्कृत भाषा में इसे आरक्षक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन और कोतवाली में क्या अंतर होता है? इनमें अंतर आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे इनमें सबसे बड़ी कोतवाली होती है, उससे छोटा पुलिस स्टेशन जिसे हिंदी में थाना कहते हैं और इसमें सबसे छोटी होती है पुलिस चौकी। देखिए पुलिस चौकी जो होती है वो ज्यादातर उन इलाकों में बनाई जाती है जहाँ पुलिस स्टेशन या कोतवाली दूरी पर होती है, जिससे कि पुलिस के अंतर्गत शहर के सभी जगह और इलाके आ सकें। और पुलिस चौकी का हेड एक SI यानी सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर होता है। पुलिस स्टेशन का हेड एक इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस ऑफिसर होता है और कोतवाली का हेड एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर हो सकता है जिसे SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पुलिस की संख्या कितनी है? UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के मानक अनुसार प्रति 1,00,000 नागरिक पर 2,222 पुलिसकर्मी होने चाहिए लेकिन भारत में यह आंकड़ा 144 ही है, मतलब कि हर 450 इंडियंस पर एक पुलिसकर्मी होना चाहिए जो कि आज के टाइम पर बढ़कर 694 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, पुलिस विभाग में प्रमोशन कैसे होता है? पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आपका सिलेक्शन एक कांस्टेबल की रैंक पर होता है तो कम से कम 10 साल तक आपको इसी पोस्ट पर सर्विस करनी होगी जिसके बाद आपका प्रमोशन हेड कांस्टेबल रैंक पर कर दिया जाता है। इसके बाद हेड कांस्टेबल रैंक पर आपको कम से कम 5 साल तक काम करना होता है जिसके बाद एक हेड कांस्टेबल को ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है। इसके बाद भी प्रमोशन होता रहता है बट कई कैंडिडेट्स का रिटायरमेंट ASI रैंक पर ही हो जाता है, लेकिन यदि रिटायरमेंट नहीं होता है तो ASI को SI बनने का भी मौका मिल सकता है और जो अपनी सर्विस को अच्छे तरीके से मेहनत और लगन के साथ करते हैं तो इसके आधार पर उनके प्रमोशन जल्दी ही हो जाते हैं और वे इंस्पेक्टर रैंक तक भी पहुंच जाते हैं। और क्या आपको पता है एक पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन होने के बाद
अपनी सर्विस में डीएसपी यानी डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक तक भी पहुंच सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पुलिस में कितने प्रकार के पद होते हैं? तो दोस्तों पुलिस में कुल 16 प्रकार के पद होते हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे इस पुलिस एफकेआई सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।